मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, इस किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उस मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। रही बात गवर्नर की, माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नर का कंडक्ट कोई इस हाउस में तो नहीं डिस्कस होता है, मिस्टर इलामाराम करीम, संविधान इनको और इतने सारे कोर्ट के केसेस हुए जिसमें गवर्नर को ठहराया गया कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ऐसे ही एक लिस्ट कांग्रेस ने तो पहले भी लिस्टें दिए जिसका बाद में पता चलता है कि सिग्नेचर ही और किसका है, बिना पूछे भी सिग्नेचर दे देते।